उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों पर अब ब्रेक लग गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सिर्फ BS6 बसों को एंट्री देने का पत्र भेजा है। ऐसे में उत्तराखंड से दिल्ली आने वाली 250 बसों में सिर्फ 50 बसें ही ऐसी हैं जो BS6 हैं। इस लिहाज से करीब 200 बसों पर ब्रेक लग जाएगा। राजधानी दिल्ली में केवल BS6 रोडवेज बसें ही एंट्री कर सकेंगी। इस पत्र के बाद से उत्तराखंड परिवहन अपनी तैयारी में जुट गया है। वहीं परिवहन निगम की करीब 250 बसें दिल्ली आती हैं, इसमें से 22 वॉल्वो और कुछ प्राइवेट बस शामिल हैं, जिसमें 50 बस BS6 हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहित मीणा ने बताया है कि निगम जल्द ही 141 BS6 बसें खरीदने जा रहा है। इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। यात्रा सुचारू रखने को लेकर हम गंभीर हैं। वहीं 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को NCR में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बसों और भारत 6 के लिए जो आदेश पारित हुआ है उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को पहले से ही एक्सपेक्टेशन थी कि समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज़ गोइंग टू हैपन। तो इसीलिए हम लोगों ने अपना टेंडर ऑलरेडी कर दिया था। हम लोग प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से लगभग 141 नई बसों को अपने यहाँ अनुबंधित कर रहे हैं। उसका टेंडर हो चुका है, 13 तारीख को टेंडर खुल रहा है। तो वी वुड बी एबल टू कम्फर्टेबली कॉम्बैट दिस सिचुएशन, नॉट एनी।